टाटा नैनो के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पीडोमीटर पर हमें किसी भी प्रकार का टेम्परेचर मीटर नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ टेम्परेचर इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड पे जो आपको रेड कलर का ऊपर सबसे ऊपर वाला जो टावर दिखाई दे रहा है वही है टेम्परेचर इंडिकेशन। उसके बारे में बहुत सारी वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कॉस्ट कटिंग के चलते हो सकता है कि टेम्परेचर मीटर को मिसिंग कर दिया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नैनो के अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड वर्क नहीं होता है। यही वो वजह होती है जब आप नैनो को कॉल स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर ईसीयू जो है इसका फ्यूल और एयर का मिक्सचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसका जो थ्रॉटल है वो ज्यादा लगता है, यानी कि इसकी रेस थोड़ा सा बढ़ जाती है। और उसके बाद जब आपका नैनो का इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है तो आरपीएम भी बिल्कुल एकदम से परफेक्ट हो जाते हैं, और ये सभी जो होते हैं टेम्परेचर के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होते हैं। दोस्तों नैनो को हम कॉल स्टार्ट करते हैं, कल रात से ही नैनो यहां पर पार्क है, लगभग 12 घंटे भी बीत चुके हैं, और इस वक्त जो हमारी सिटी सहारनपुर का टेम्परेचर है वो भी चल रहा है 15 डिग्री, और मौसम आप देख सकते हैं कि बरसात हो रही है, तो ये बिल्कुल अनुकूल है इस चीज़ की टेस्टिंग के लिए, कॉल्ड स्टार्ट के लिए। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है अयान भाई, उनका भी मेरे पास एक सवाल आया था कि जब वो अपनी नैनो को स्टार्ट कर रहे थे तो उसकी साउंड जो है वो बहुत तेज आ रही है, और ठीक 2 मिनट के बाद उसकी साउंड जो है प्रॉपर हो जाती है। तो सबसे पहले हम भी अपनी नैनो को स्टार्ट कर लेते हैं, उस दौरान आपसे बातचीत भी चलती रहेगी और कुछ समय भी बीत जाएगा, और उसके बाद ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि क्या इसमें कुछ साउंड में बदलाव भी आता है या नहीं। तो सबसे पहले नैनो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए नैनो को कर चुके हैं स्टार्ट, और इंजन के पिछले भाग की तरफ जाकर हम चेक करते हैं साउंड के बारे में। तो देखेंगे ऐसे जब भी कॉल स्टार्ट हम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सुन सकते हैं कि इस वक्त जो है साउंड जो है थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे किसी ने थोड़ा सा एक्सीलरेटर को प्रेस किया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कॉल्ड स्टार्ट में जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ आती है, नैनो ही नहीं कोई भी आप कार होगी उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी, जो भी आपकी गाड़ी 20 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर में होती है इसको ही कॉल्ड स्टार्ट कहा जाता है। कॉल्ड स्टार्ट में हमें अपनी कार में क्या चीज़ नहीं करनी है इसके बारे में भी बात की जाएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, दुआओं में आपके उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूँ। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से गर्मियों में सर्दियों में जब हम शिफ्ट होते हैं तो हमें भी अपने अंदर काफी सारे बदलाव करने पड़ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारी कार का इंजन गर्मी से सर्दियों में शिफ्ट होता है तो वो भी अपने अंदर कुछ बदलाव चाहता है, लेकिन वो हमें नहीं करने पड़ते, इसके अंदर का जो दिमाग होता है, इसका जो ईसीयू होता है, वही इसके अंदर बदलाव पैदा कर देता है। और देखिए ये जो समस्या है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जब स्टार्टिंग में मॉर्निंग के वक्त आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तभी आएगी, दिन भर में ये चीज आपके सामने बनने वाली नहीं है, और ये उन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर कि आपका जो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से नीचे चला जाता है। जैसे कि हम नॉर्थ में रहते हैं तो यहां पर अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, महाराष्ट्र या गुजरात या साउथ जैसी जगह पर इस प्रकार की जो है समस्या आपको जो है फेस नहीं करनी पड़ती है। तो आपको बात बता देना चाहता हूं, जब हम कॉल स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त होता क्या है कि हमारी जो गाड़ी के अंदर जो मैप सेंसर जो होता है वो हमारे फ्यूल और एयर के मिक्सचर को बढ़ाकर हमारी जो कार की स्पीड यानी कि कार का जो थ्रॉटल है उसका जो साउंड है वो बढ़ा देता है, यानी कि स्पीड को बढ़ा देता है। ऐसा वो इसलिए करता है कि ताकि हमारी कार का जो टेम्परेचर है वो जल्दी से नॉर्मल हो पाए। अब देखिए कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जिनके स्पीडोमीटर पर आपको यहाँ पे आरपीएम का जो है मीटर देखने को मिल जाता है, वहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, 1 का मतलब 1000, 2 का मतलब 2000, 3 का मतलब 3000 होता है। तो इस प्रकार से अगर कोल्ड टेम्परेचर में आप अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो नीडल आपकी 2 या 2 से ऊपर तक चली जाती है, तो जब वो नीडल आपकी 1500 से नीचे 1000 के बीच आ जाती है तो इसका मतलब आपकी जो गाड़ी का जो तापमान है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नैनो में हमें ये चीज नहीं मिलती है, तो हमें नैनो में वेट करना पड़ता है, 1 से 2 मिनट स्टार्ट करके आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, तो उसके बाद आपका जो टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। और देखिए ये सिर्फ टेम्परेचर को गर्म करने के लिए ही ये काम नहीं होता है, ये प्रक्रिया नहीं चलती। आपको मालूम है हमारे कार के इंजन को लुब्रिकेंट करने के लिए इसके अंदर इंजन ऑयल होता है, वो हमारे गाड़ी को इंजन को लुब्रिकेंट करता है ताकि ये अच्छे से परफॉर्म कर सके। और जब हम ऐसी सर्दी के दिनों में अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो रात भर में सारा का सारा इंजन ऑयल नीचे की तरफ बैठ जाता है, जब आप सुबह अगले दिन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन ऑयल काफी गाढ़ा और मोटा भी हो जाता है, तो वो अच्छे से जल्दी से इंजन के कलपुर्जों पर इंजन के पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता है। अगर वो पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा तो आपकी गाड़ी को लुब्रिकेंट नहीं मिलेगी इंजन को, तो वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकता है। तो अब हम बात ये भी कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जब आपको अपनी गाड़ी में कॉल्ड स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए जब भी आप अपनी गाड़ी को कॉल्ड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने एक्सीलरेटर को तो बिल्कुल भी प्रेस करना ही नहीं है 1 से 2 मिनट तक, और चलाने की बात तो आप भूल ही जाइए। अगर आप किसी
प्लेन जगह में रहते हैं तो वहां पर तो फिर भी एक बार आप चलाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी हिली जगह अपनी गाड़ी को लेकर के गए हैं या फिर आप वहीं के ही रहने वाले हैं तो वहां पर तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद ये चीज वहां पर देखी हुई है, अनुभव किया हुआ है। क्योंकि वहां पर ऐसी होता है जब आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो आपको काफी बारी ऐसी चढ़ाई भरी जगहों पर गाड़ी को पार्क करना पड़ता है, और अगले दिन जब आप कोल्ड स्टार्ट में गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी ऊपर की बजाय सीधा नीचे ही आने लगती है, क्योंकि उस टाइम पर गाड़ी का टेम्परेचर भी बना नहीं होता है, गाड़ी के इंजन के कलपुर्जे भी लुब्रिकेंट नहीं हो रखे होते हैं, इंजन ऑयल से भीगे हुए नहीं होते हैं, तो गाड़ी परफॉर्म ही नहीं करती है, उसमें बिल्कुल ताकत ही नहीं आती है। तो इस चीज को मैंने नोटिस किया हुआ, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा। तो ऐसी जगह पे तो आपको यार 4 से 5 मिनट तक अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी का इंजन अच्छे से गर्म हो जाए और फिर वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो देखो काफी बात करते करते कुछ समय बीत चुका है, तो हम भी चेक कर लेते हैं कि यार हमारी जो नैनो का जो साउंड थी जो पहले थोड़ी सी ज्यादा थी, क्या अब उसमें कुछ और कमी आई है क्या। तो आप सुन सकते हैं पहले जो साउंड थी उसको थोड़ी सी कमी है, लेकिन पहले भी यार मेरी नैनो में इतनी साउंड नहीं थी, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जो गाड़ी है सिर्फ एक ही दिन पहले से खड़ी थी, 2-3 दिन अगर पुराने टाइम से खड़ी होती तो इसकी साउंड और ज़्यादा आ सकती थी। और ये यार इस चीज़ पे भी डिपेंड कर सकता है कि यार आपके जो इंजन ऑयल की जो कंडीशन है, उसकी जो क्वालिटी है, वो किस टाइप की है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज की ये जो वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं फिर किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।